Hello students, in this video lecture I am going to explain you chapter 1st class 9 civics. What is democracy? Why is democracy? Previous videos के अंदर मैंने आपको 4 features of democracy explain किए थे with reference to the examples of different countries. अब इस video lecture के अंदर हम cover करेंगे arguments against democracy and arguments for डेमोक्रेसी, इसके फेवर में और अपोजिशन में क्या तर्क दिए जाते हैं डेमोक्रेसी के, और ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आते हैं. मेनली 5-5 मार्क्स में ही क्वेश्चन आते हैं और दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं. एग्जामिनर मे बी आस्क गिव डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, एंड ऑन द अदर हैंड what are the merits of democracy, what are the advantages of democracy and what are the arguments in favor of democracy. तो किसी भी वे में क्वेश्चन आस्क हो सकता है. क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आस्क किया जाए, यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स एज इट इज. इन दीज आर इन अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड दीज आर arguments for democracy are the merits or the advantages you can say, and these are the demerits, limits or disadvantages you can say. Okay, so step by step we are continue with first one point, that is leaders keep changing in democracy. तो इसका first limit या demerit या गुण अवगुण क्या कह सकते हैं हम कि democracy के अंदर हमने क्या देखा कि elections होते हैं after some duration of time, mainly 5 years का हम time period लेके चलते हैं अपनी country के example से. तो हमने क्या देखा कि 5 year के बाद elections held होते हैं, तो किसी न किसी party को chance होता है win करने का. कोई भी party win कर सकती है और ruling के अंदर आ सकती है. तो उस situation में क्या होता है कि leaders change होते हैं, government को run करने वाले वो जो rulers people के द्वारा elect किए जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं. जब वो चेंज होते हैं तो ये किस चीज को इंक्रीज करता है, इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता आती है इससे. कि मान लो 5 years बिफोर या फिर लगा लो कि 2014 से पहले 2014 तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने कंट्री में कुछ रूल्स इम्प्लीमेंटेशंस दिए होंगे, बनाए होंगे सिटीजन्स के बेटरमेंट के लिए. लेकिन जब बीजेपी आ जाते 2014 के बाद तो वो अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन देती है, उन्हें लगता है कि ये बेटर तरीके हैं, वो किसी डिफरेंट डिपार्टमेंट को अपलिफ्ट करने के लिए जो है स्टेप उठाती है. तो वो जो पहले वाले इम्प्लीमेंटेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चले जाते हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आती है, अस्थिरता आती है. ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के वे पर एक क्वेश्चन मार्क लगा जाता है डेमोक्रेसी के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन, डेमोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल कंपटीशन है. इसके अंदर पार्टीज होती हैं, डिफरेंट पार्टीज जो कि इलेक्शन के अंदर खड़ी होती हैं, पार्टिसिपेशन करती हैं, विन करने की कोशिश करती हैं, और ये सब किस पे बेस होता है, ये ऑल दिस इज अबाउट पावर प्ले. मीन्स हर पार्टी, किसी भी पार्टी का ये मोटिव नहीं होता कि हमें देश की जनता की सेवा करनी है या देश के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है. वो अपना पावर का यूज करके बाय हुक और क्रूक इलेक्शन को विन करना चाहती है. तो ये क्या एस्पेक्ट शो करता है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है वो मेनली पावर प्ले का एक रोल होता है, जिसके अंदर वो क्या कहता है, नो स्कोप फॉर मोरलिटी. मोरलिटी अच्छाई के लिए कहीं पर भी कोई भी जगह नहीं होती है. एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ टूडेज सिनेरियो. आज के टाइम में अगर आप देखते हो अपनी कंट्री की सिचुएशन को अगर देखते हो तो ये बहुत हद तक जो है एक तरह से ट्रू हो रही है, प्रूव हो रही है मीन्स टू से. नेक्स्ट ये क्या कहता है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के अंदर क्या कहता है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो डिसीजन मेकिंग पावर वो उन लोगों के अंदर होनी चाहिए, दोज आर इलेक्टेड बाय द पीपल. वो पीपल फिर कुछ बिहाफ तक, ऐसा नहीं है कि ये एक डिक्टेटरशिप है. और लाइक अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ चैप्टर का, तो उसके अंदर मोनार्की सिस्टम होता है और राजा रातों रात क्या करता है, टैक्सेस इंक्रीज कर देता है थर्ड लेवल के ऊपर. तो कोई भी सेक्शन सोसाइटी का, दो सेक्शन तो बोलते ही नहीं थे क्योंकि उनके वो तो उनके फेवर में होता ही था, राजा के फेवर में, लेकिन थर्ड सेक्शन को बहुत सफर करना पड़ता था. लेकिन वो राजा को मना नहीं सकते थे उसको चेंज करने के लिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं. लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं है. डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, हाउ टू बी कंसल्टेड इन पीपल, कौन,
सो मेनी पीपल कंसल्ट करने पड़ते हैं। लाइक कि अगर एक बिल पेश करना है, रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं कि लोकसभा के अंदर अभी बिल पास किया गया था जम्मू एंड कश्मीर वाला, अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशल स्टेट का जो राइट मिला हुआ है उसको अभी हटा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से, तो क्या वो अकेले बीजेपी ने किया? नहीं, लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर किसी भी बिल को पास होने के लिए, अप्रूवल मिलने के लिए लोकसभा के एटलीस्ट टू थर्ड मेंबर्स की अप्रूवल होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अदरवाइज वो बिल पास नहीं होता है। ठीक है, तो सेम दोनों हाउसेस के अंदर सेम प्रोसेस फॉलो होता है। तो क्या कहता है कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए क्विक डिसीजन नहीं लिए जा सकते डेमोक्रेसी के अंदर। जो रूलिंग पार्टी है उसको डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर लोगों की कंसेंट लेनी पड़ती है, तो उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग के अंदर डिले हो जाता है, देरी हो जाती है। तो ये भी एक तरह से इसकी डीमेरिट ही है। फोर्थ क्या कहता है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो आम जनता है, आम पब्लिक को क्या चाहिए? देखिए, इलेक्शन हैल्ड होते हैं, अगर हम सेंट्रल इलेक्शन की बात करते हैं तो पूरी कंट्री के लिए इलेक्शन हैल्ड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करने के लिए, और उसमें एजुकेटेड भी लोग होते हैं जो वोटिंग करते हैं, बिजनेसमैन, ट्रेड पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट सब होते हैं, और एक कॉमन मैन भी होता है जो हैंड टू माउथ वाला सीन क्रिएट करके चलता है, अपनी अपना जीवन उस तरीके से व्यतीत कर रहा होता है। तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट और एक बिजनेसमैन की रिक्वायरमेंट, एक ट्रेड पर्सन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। अब मेनली क्या देखने में आता है कि जो पार्टी के लोग होते हैं, बेशक वो किसी बेस से उठकर जाते हैं लेकिन ऊपर तक पहुंच जाते हैं, तो वो मानते हैं कि हमारा स्टेटस क्या हो गया है, अप हो गया है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं कि जो आम लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनके क्या इंटरेस्ट है, उसको कहीं ना कहीं वो समझने में, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या कहता है, लीड टू बैड डिसीजन। तो कोई भी डिसीजन लिया गया तो उनके फेवर में तो नहीं रहा, जो वो हमारी आम जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो रिक्शा पुलर है, इस तरह के डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, उनके फेवर में तो नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, लीड टू बैड डिसीजन। तो ये भी डीमेरिट है इसकी। अब नेक्स्ट क्या कहता है, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। करप्शन के ऊपर अब इस पॉइंट को हम कहां रिलेट कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम सेकंड पॉइंट के साथ रिलेट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन है एंड पावर प्ले है। अब क्या होता है कि करप्शन को लीड करती है, कैसे लीड करती है, वही कि इलेक्शंस को विन करने के लिए पार्टीज लीगल और इलीगल दोनों तरीके के बेस को फॉलो करती है, तो इससे करप्शन इंक्रीज होता है। तो इससे और क्या होता है, बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। और ये करप्शन कहाँ से शुरुआत होती है, इलेक्टोरल कंपटीशंस जो होते हैं, हमारे चुनाव प्रतियोगिताएं जो होती हैं इलेक्शन के दौरान, कि कौन पार्टी विन, वो अपना मतलब मनी एंड एवरीथिंग एक तरीके से दांव पे लगा के चलती है हर पार्टी विन करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। ऑर्डिनरी पीपल, आम लोग, वो पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, गरीबी के अंदर अपना जीवन जी रही होती है, उन्हें ये तक नहीं पता होता है कि संविधान भी कोई चीज होती है, और संविधान ने उनको कोई राइट भी दिए हैं, और वो राइट ये भी कहता है कि आपकी वोट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो उन लोगों को जब इन सब चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं होती है तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि किस पार्टी को वोट देना सही है देश के हित में, और किस पार्टी के लिए वो वोट देना देश के अहित में हो जाएगा। तो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, उन्हें इस तरह की डिसीजन लेने का कोई भी मतलब एक सेंस नहीं होती है, मीन्स टू से अवेयर नहीं होती है वो उन चीजों की गहराई तक। तो ये भी क्या है, एक डीमेरिट है हमारी डेमोक्रेसी की। ठीक है, तो ये सब डीमेरिट्स हमने की। अब हम कर लेते हैं आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट क्या कहता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट। बहुत अच्छी गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरी किसी गवर्नमेंट से, डिक्टेटरशिप से या मोनार्की सिस्टम से बहुत अच्छी होती है। क्यों होती है, क्योंकि मोर अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल का मतलब कि वैध होती है, ये उत्तरदायी सरकार होती है। मान लो कि मैंने जैसे कि परवेज मुशर्रफ ने किया कि मिलिट्री कोप ले लिया था उन्होंने,
पाकिस्तान के ऊपर अपना उनके जो गवर्नमेंट थी उसके ऊपर होल्ड कर लेते हैं वो, तो वो जो डिसीजन देते हैं और साथ के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लिया था कि वो 5 ईयर के लिए उनका एक्सटेंशन इंक्रीज हो जाता है कि 5 ईयर के लिए वो क्या रहेंगे अपने उसके ऊपर रहेंगे, प्रेसिडेंटशिप के ऊपर रहेंगे। लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर किस लिए होती है कि वो कोई भी डिसीजन लेती है तो जो पब्लिक होती है, पॉपुलेशन होती है, सिटीजन्स होते हैं, उसको उसके लिए जवाबदेह होना पड़ता है। अगर पब्लिक ये पूछती है, सिटीजन्स ये पूछते हैं कि ये आपने डिसीजन लिया तो किस बिहाफ के लिए, क्या जरूरत थी ये डिसीजन लेने की, तो द गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल, उसे जवाब देना ही पड़ेगा। तो मोर अकाउंटेबल हो जाती है, बहुत अच्छा फीचर है। अपनी मनमानी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है कोई भी गवर्नमेंट। सेकंड क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसीजन। कॉन्स्टिट्यूशन होता है डेमोक्रेसी के अंदर और डिसीजंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, नो रैश और इरिस्पॉन्सिबल डिसीजन, स्क्वेल्टी डिसीजंस होते हैं। किस रूल जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे होते हैं, उन लिखे होते हैं, उनका अबोलिशन करके कोई भी गवर्नमेंट जो है रन नहीं कर सकती है किसी भी कंट्री को, के रूल को, उसको उन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और जो डिसीजन होते हैं क्योंकि कंसल्टेशन के बाद लिए जाते हैं, दे हैव टू कंसल्ट सो मेनी पीपल ऑन द डिफरेंट लेवल्स इन टेकिंग ऑफ एनी डिसीजन, तो वो डिसीजन जो होते हैं बेशक डिले होते हैं बट निखर कर सामने आते हैं और क्वालिटी डिसीजंस होते हैं। अब नेक्स्ट क्या कहता है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब हमारी कंट्री के अंदर, इंडिया के अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, रीजनल लेवल पर लेके चले, रिलीजियस लेवल पे, या फिर कास्ट सिस्टम पे लेके चले, किसी भी तरीके से लेके चले, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री के अंदर। तो डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री की डाइवर्सिटी को डील करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देके चलती है और उन राइट्स की रिस्पेक्ट भी करती है। लेकिन डिक्टेटरशिप या मोनार्की सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता है। द रूलर कैन गिव इम्प्लीमेंट टू देयर डिसीजंस, वो उसके अपने फेवर में या फिर उसके जो मेन पर्सन है उनके फेवर में है तो वो उसको इम्प्लीमेंटेशन देगा। अगर किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की अगर इग्नोरेंस हो रही है तो वो उसको होने देगा। तो यहाँ पर क्या डिफरेंसेस को जब वो एक साथ लेके चलती है डेमोक्रेसी, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। जैसे हमने फेडरलिज्म चैप्टर के अंदर पढ़ा कि इंडिया ने फेडरलिज्म को फॉलो करते हुए लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को बनाया, स्टेट और सेंटर रिलेशन को बढ़ावा दिया, पावर का डिवीजन किया, दोज वर द लिस्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो इस तरीके से ये डेमोक्रेसी के प्रोविजंस हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने में हेल्पफुल होते हैं। अब वो क्या कहता है कि पॉलिटिकल क्वालिटी के अंदर इक्वेलिटी, सॉरी इक्वेलिटी, इक्वेलिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू दी जाती है डेमोक्रेसी के अंदर, ये फॉलो किया जाता है ऑब्वियसली। अब वो क्या कहता है, रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये जो राइट दिए जाते हैं सिटीजन्स को कि वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू और रूल ऑफ लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, तो इससे क्या होता है कि डेमोक्रेसी एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, जो उसके सिटीजन है जिनको ये राइट दिया गया और उनको वो इम्प्लीमेंटेशन भी दी जाती है, उनको फॉलो किया जाता है, उनको वर्क में लाया जाता है, उनको वो अधिकार फ्री होते हैं उनको फॉलो करने के लिए, तो इस तरीके से वो सिटीजन्स की डिग्निटी को, प्रतिष्ठा को बढ़ावा देती है। दे फील दैट वी आर द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अब वो क्या कहता है, डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट की फॉर्म से बेटर होती है मोनार्की या डिक्टेटरशिप, कोई भी है किसी भी कंट्री के अंदर, तो डेमोक्रेसी हमेशा बेटर होती है। हमने ये सब पॉइंट्स पढ़े, किस तरीके से होती है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि इट अलाउज अस टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। मान लो कि कैसे अलो करती है कि हमने 5 साल के लिए गवर्नमेंट चूज की, कोई भी पार्टी रूलिंग के अंदर आ गई है, लेकिन रूलिंग के अंदर आने के बाद वो पार्टी क्या कहती है कि मैं ही पावरफुल हूँ, अब तो मेरा ही है जो भी कुछ है, मैं डिसीजन अपने बिहाफ पे सही या गलत ले सकती हूँ, और सिटीजन्स को लग रहा है कि वो उसके फेवर में कुछ भी काम नहीं कर रही है, तो सिटीजन क्या कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम या तो उसका बाई इलेक्शन करा सकते हैं बीच में ही, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वेरी पीसफुली स्ट्राइक्स कर सकते हैं, और वो मिनिस्टर से रेजिग्नेशन ले मांग सकते हैं जो भी लीडिंग लीडर होगा, लाइक पीएम या स्टेट लेवल पर सीएम की बात करें तो इतनी पावर सिटीजन्स के अंदर होती है,
और अगर ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं चाहते हैं, वाई इलेक्शन नहीं चाहते हैं, तो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद जब इलेक्शन होगा तो वो उस पार्टी को रूलिंग में आने ही नहीं देंगे, वोट ही नहीं डालेंगे उसके फेवर में, तो वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, रूलिंग में नहीं आ पाएगी और वो हार जाएगी, लूज हो जाएगी पार्टी। तो ये सबसे बड़ा इसकी इम्पोर्टेंस आप कह सकते हैं कि इट अलाउज अस टू करेक्ट आर ओन मिस्टेक, हमारी खुद की गलतियों को सुधारने का ये हमें मौका देती है। तो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीट, कि आर्ग्यूमेंट्स हो गए आपके फेवर में भी हो गए और इसके अपोजिशन में भी हो गए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपका चैप्टर भी इसके साथ कंप्लीट हो जाता है। गो थ्रू योर बुक ऑल्सो, टेक अ रीडिंग फ्रॉम द बुक, इट इज मैंडेटरी, विदाउट दैट योर चैप्टर कंसेप्ट विल नॉट बी सेट इन योर माइंड। टिल देन कीप वॉचिंग एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो if you really like it. Thank you.